हेलो स्टूडेंट, वी आर बैक विद अ न्यू चैप्टर ऑफ क्लास 11th बायोलॉजी, चैप्टर 7th स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। सी, बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये चैप्टर पढ़ने के लिए पता होना चाहिए कि सेल्स क्या होते हैं। व्हाट इज सेल्स? सेल्स आर द स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट इन द लिविंग थिंग। ये अपने को पता है ऑलरेडी कि सेल सबसे छोटी यूनिट है जो आप देख रहे हैं। लिविंग थिंग्स, जितने भी लिविंग थिंग देख रहे हैं, सब किससे मिलके बने हैं? सेल से मिलके बने हैं। और सेल उसकी बेसिक यूनिट है। इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट बोलते हैं इसे। अब अगर सेल्स की हम बात करते हैं तो हम दो तरह के ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। पहला ऑर्गेनिज्म है यूनिसेलुलर एंड द अदर इज मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर नाम से समझ में आ रहा है, वन। अगर मोर देन वन की बात करेंगे तो हम किसकी बात करते हैं? मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर लिविंग थिंग्स मेड अप ऑफ सिंगल सेल, ऐसे लिविंग थिंग्स जो किससे मिलके बने हैं? सिर्फ सिंगल सेल से मिलके बने हैं। यही मल्टी सेलुलर की बात करते हैं। लिविंग थिंग्स मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, ऐसे लिविंग थिंग्स जो बहुत सारे सेल्स से मिलके बने होते हैं। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की हम बात करते हैं तो देयर इज नो डिविजन ऑफ लेबर फाउंड। ये इम्पॉर्टेंट टर्म है। डिवीजन ऑफ लेबर किसे बोलते हैं? सी, अब हम देख रहे हैं कि एक ऑर्गेनिज्म है जिसके पास में एक सिंगल सेल है, तो यही सिंगल सेल क्या करेगा? सारे फंक्शंस परफॉर्म करेगा। रेस्पिरेशन भी यही परफॉर्म करेगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी यही परफॉर्म करेगा, सारे जितने भी फूड डाइजेशन की प्रोसेस होगी तो भी यही सेल परफॉर्म करेगा। जितने भी प्रोसेस होगी, जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होगी, दिस ऑल विल बी परफॉर्म बाय द सिंगल सेल। ठीक है, यही हम देखते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म डिफरेंट सेल परफॉर्म वेरियस फंक्शन। अलग अलग सेल जो है अलग अलग फंक्शंस क्या करेंगे? परफॉर्म करेंगे। वहाँ पे हमने देखा है कि अगर मल्टी सेलुलर ह्यूमंस की हम बात करें, होमोसेपियंस की हम बात करें, तो बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हैं। बहुत सारे सेल्स में क्या हो रहा है कि सब सेल्स ने अपने अपने फंक्शंस डिफाइन कर लिए हैं या फिर असाइन कर लिए हैं, एंड दे आर परफॉर्मिंग देयर ओन फंक्शंस। तो कुछ सेल्स ने मिलके क्या करा है? कुछ एक पर्टिकुलर फंक्शन कर रहे हैं। यही जो बाकी सेल्स हैं वो कुछ और पर्टिकुलर फंक्शन कर रहे हैं। तो सारे सेल्स क्या कर रहे हैं? डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको डिवीजन ऑफ लेबर मिलता है। यही डिवीजन ऑफ लेबर कहाँ नहीं मिलता है? यूनिसेलुलर में इट इज़ नॉट फाउंड। जब सेल्स की बात करते हैं तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट टिश्यूज़, के टिश्यूज़ क्या होते हैं। सी, ये जो टिश्यू टर्म है, दिस वी आर नॉट गोइंग टू यूज़ इन यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर में हम यूज़ नहीं करेंगे। ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं? क्योंकि यूनिसेलुलर के पास में सिर्फ एक सिंगल सेल प्रेजेंट है, सो इट वॉन्ट बी यूज्ड इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। टिश्यूज टर्म हम कहाँ यूज़ करेंगे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में यूज़ करेंगे। देखते हैं इसे। ए टिश्यू इज़ ए ग्रुप ऑफ सेल। क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल दैट परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन, जो क्या करेगा? पर्टिकुलर कॉमन फंक्शन परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट, ऑल टिश्यू आर सराउंडेड और एम्बेडेड इन ए नॉन लिविंग इंटरसेलुलर मटेरियल कॉल्ड मैट्रिक्स। क्या होता है कि जितने भी टिश्यूज रहते हैं वो क्या रहते हैं? नॉन लिविंग इंटरसेलुलर मटेरियल से सराउंडेड, और जिसे हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। ये इस चैप्टर में आपको बहुत बार मिलेगा वर्ड मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स क्या है? नॉन लिविंग इंटरसेलुलर मटेरियल, मतलब ये एक सेल है, ये आपका दूसरा सेल है, इन दोनों के बीच में जो इंटरसेलुलर नॉन लिविंग मटेरियल है उसी को हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। टिश्यूज डिफरिंग रिगार्डिंग द अमाउंट इन द काइंड ऑफ इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। इंटरसेलुलर मैट्रिक्स सब टिश्यूज में क्या होगा? डिफरेंट होगा, वो हम चैप्टर में पढ़ेंगे। हिस्टोलॉजी इज़ द बायोलॉजी ऑफ टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यू। क्या बोलते हैं हम? हिस्टोलॉजी बोलते हैं। ये एक बेसिक सा कंसेप्ट है, आपको पता है ऑलरेडी कि सेल्स हैं, सेल्स मिलके क्या बनाएंगे? टिश्यूज बनाएंगे। टिश्यूज मिलके क्या बनाएंगे? ऑर्गन बनाएंगे। ऑर्गन मिलके क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, एंड ऑर्गन सिस्टम विल कम्बाइन टू फॉर्म ए ऑर्गेनिज्म। ये एक बेसिक सा आपको फ्लो चार्ट पता है ऑलरेडी। अब हम स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज एनिमल टिश्यूज। एनिमल टिश्यूज क्या होता है? द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स वेरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। सारे जो सेल्स हैं उनके फंक्शंस क्या है? वेरी करते हैं। देयरफॉर टिश्यूज आर डिफरेंट एंड आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू फोर टाइप।
अब सबके फंक्शंस जब अलग अलग हैं तो टिश्यूज़ भी क्या होंगे, डिफरेंट टाइप के होंगे। और जितने भी एनिमल्स हैं, एनिमल्स में सिर्फ आपको 4 टाइप के टिश्यूज़ ही मिलेंगे। कौन कौन से 4 टाइप? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर एंड न्यूरल। इन चारों को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टिश्यू, दैट इज एपिथेलियल टिश्यू। सबसे पहले हम देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू, NCERT से समझते हैं इसे। वी कॉमनली रिफर टू एन एपिथीलियल टिश्यू एज एपिथीलियम। हम एपिथीलियल टिश्यू को एपिथीलियम भी कहते हैं, या फिर प्लूरल में हम कहते हैं एपिथीलिया। दिस टिश्यू हैज़ फ्री सरफेस विच फेसेस आइदर द बॉडी फ्लूइड और आउटसाइड एनवायरमेंट एंड दस प्रोवाइडिंग द कवरिंग और लाइनिंग फॉर सम पार्ट ऑफ द बॉडी। सी, नाम से समझ में आ रहा है एपिथीलियल। एपी मतलब हम क्या बोलते हैं, कवरिंग, या फिर आउटर साइड में हम बोलते हैं। तो एपिथीलियल टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होंगे? कवरिंग में, आउटर साइड में प्रेजेंट होंगे। कुछ बॉडी पार्ट्स को भी कवर करते हैं, इनर लाइनिंग ऑफ द बॉडी पार्ट्स में भी इसकी कवरिंग होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, द सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विथ लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मैंने आपको बताया, जो सेल्स के बीच में नॉन लिविंग सब्सटेंस रहता है उसे हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। तो बहुत ही कम क्या रहती है, इसके अंदर इंटरसेलुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट, देर आर 2 टाइप्स ऑफ एपिथीलियल टिश्यू। ध्यान रखना है आपको कि एपिथीलियल टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से हैं यहाँ पे देखते हैं हम, सिंपल एपिथीलियम एंड कंपाउंड एपिथीलियम। 2 टाइप के टिश्यूज़ आपको पढ़ने हैं। एपिथीलियल टिश्यू मेनली कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, सिंपल एपिथीलियम और कंपाउंड एपिथीलियम। सिंपल एपिथीलियम क्या होता है वो समझते हैं हम। सिंपल एपिथीलियम इज़ कम्पोज ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। ध्यान रखना है आपको, सिंपल एपिथीलियम में क्या होगा, सिर्फ एक ही लेयर होगी सेल्स की। और यही हम अगर कंपाउंड एपिथीलियम की बात करेंगे तो एक से ज़्यादा, दैट इज़ 2 और मोर सेल लेयर्स होगी। देखें यहाँ पे 2 और मोर लेयर्स होगी। सिंपल एपिथीलियम में जाते हैं वापस, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स एंड फंक्शन एज लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी, डक्ट एंड ट्यूब्स। ये क्या करेगा, बॉडी कैविटी, डक्ट या फिर ट्यूब्स को क्या करेगा, लाइनिंग या फिर कवर करेगा। दैट इज कंपाउंड एपिथीलियम कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर लेयर ऑफ सेल्स। 2 से ज़्यादा लेयर्स होगी तो उसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड एपिथीलियम। एंड हैज़ प्रोटेक्टिव फंक्शन एज इट डज इन आर स्किन। स्किन बेस्ट एग्जाम्पल है कंपाउंड एपिथीलियम का। बहुत सारी लेयर्स होती है टिश्यूज़ की, और कौन से टिश्यूज़ रहते हैं वहाँ पे, एपिथीलियल टिश्यूज़, या फिर हम कह सकते हैं स्पेसिफिकली कंपाउंड एपिथीलियम वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अब हम कंपाउंड एपिथीलियम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये मल्टी लेयर्ड सेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल्स बहुत सारी लेयर्स से मिलके बने होते हैं। और यही हम सिंपल एपिथीलियम किसे बोलते हैं, जो सिंगल लेयर्स होते हैं। देखते हैं हम, एपिथीलियल टिश्यू 2 टाइप के हैं, सिंपल। अब हम पढ़ेंगे कि सिंपल एपिथीलियम फर्दर 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? स्क्वैमस एपिथीलियम, क्यूबॉइडल एपिथीलियम, कॉलमनार एपिथीलियम। हम सभी को पढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ सेल, सिंपल एपिथीलियम इज फर्दर डिवाइडेड इंटू 3 टाइप। 3 टाइप के होते हैं, कौन कौन से? स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार। ये 3 टाइप के आपको मिलते हैं नॉर्मली एपिथीलियम, या फिर बोल सकते हैं सिंपल एपिथीलियम टिश्यूज़। अब पढ़ते हैं सबसे पहले सिंपल एपिथीलियम, देखते हैं इसे। द स्क्वैमस एपिथीलियम इज मेड अप ऑफ सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स विद इररेगुलर बाउंड्रीज। आप अगर इसको देखेंगे तो इसकी जो बाउंड्रीज होगी कैसी होगी, इररेगुलर होगी। फ्लैटेंड सेल्स होंगे, बिल्कुल फ्लैट होंगे, जिस तरह से आपने देखा होगा आपके घरों की टाइल्स होती हैं कैसे फ्लैट सरफेस होती है, बिल्कुल उसी तरीके के सेल्स होते हैं। कहाँ पे मिलते हैं ये? दे आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स में मिलते हैं, और एयर सैक्स ऑफ लंग्स। 2 आपको याद रखने हैं, ब्लड वेसल्स और एयर सैक्स ऑफ लंग। एयर सैक्स मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, एल्वियोलाई की। आपने लंग्स का जब स्ट्रक्चर देखा होगा तो आपको एल्वियोलाई दिखते हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं। एंड आर इन्वॉल्व्ड इन द फंक्शन लाइक फॉर्मिंग ए डिफ्यूजन बाउंड्री। और मेनली फंक्शन क्या करते हैं, डिफ्यूजन का काम करते हैं। सी, ब्लड वेसल्स में भी हम क्या देख रहे हैं, ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ऑक्सीजन टिश्यूज़ के पास जा रहा है, और टिश्यूज़ जो भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं वो वापस कहाँ पे आ रहा है, ब्लड वेसल्स में आ रहा है। तो नॉर्मली डिफ्यूजन की प्रोसेस हो रही है। डिफ्यूजन मतलब जो भी हायर कंसनट्रेशन है वो हायर कंसनट्रेशन से कहाँ की तरफ मूव करेगा, लोअर कंसनट्रेशन की तरफ। मटीरियल क्या हो रहा है, मटीरियल इज़ मूविंग फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। तो बेसिकली सबसे मेन फंक्शन इसका क्या है, ब्लड वेसल्स के अंदर वहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ हो रहे हैं, एंड
एल्विओलाई, एयर सैक्स की भी जो लेयर होती है बहुत ही थिन होती है, वो भी किससे बनी होती है, स्क्वैमस एपिथीलियम से बनी होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं द क्यूबॉइडल एपिथीलियम इज कम्पोज ऑफ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स, सिंगल लेयर से मिलके बने होते हैं। सिंगल लेयर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, सिंपल एपिथीलियम। सिंपल एपिथीलियम में भी हम किसकी बात कर रहे हैं, क्यूबॉइडल एपिथीलियम की। दिस इज कॉमनली फाउंड इन द डक्ट ऑफ ग्लैंड एंड ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी। कुछ ग्लैंड में मिलते हैं आपको, उसके डक्ट के अंदर मिलेंगे, और कहाँ पर मिलेंगे आपको, ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन इन किडनी। किडनी में जब देखते हैं तो किडनी की बेसिक यूनिट क्या है, नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट्स में भी आपको क्या मिलते हैं, क्यूबॉइडल एपिथीलियम मिलते हैं। और स्पेसिफिकली ये कैसे होते हैं, क्यूब लाइक सेल्स। आप यहाँ पर डायग्राम में देखें तो आपको दिखेगा क्यूब लाइक सेल्स होते हैं इसमें। एंड इट्स मेन फंक्शन इज सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। इसका फंक्शन क्या है, सिक्रीशन या फिर एब्जॉर्प्शन। या तो किसी भी सब्सटेंस को ये क्या करेंगे, सिक्रीट करेंगे, या फिर क्या करेंगे, उसे एब्जॉर्ब करेंगे। द एपिथीलियम ऑफ प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन एंड किडनी हैज़ माइक्रोविलाए। जो अब किसकी बात कर रहे हैं, पर्टिकुलरली हम PCT की बात कर रहे हैं। नेफ्रॉन में ये पार्ट होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, इन किडनी हैज़ माइक्रोविलाए। माइक्रोविलाए मतलब उसमें छोटे छोटे क्या रहते हैं, विलाए लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं। द किडनी हैज़ माइक्रोविलाए। द कॉलमनार एपिथीलियम इज कम्पोज ऑफ सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड स्लेंडर सेल्स। अब हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, कॉलमनार एपिथीलियम। कॉलमनार एपिथीलियम कैसे होते हैं, यहाँ पे आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, बहुत ही टॉल होते हैं और स्लेंडर, स्लेंडर मतलब बहुत ही पतले सेल्स होते हैं और टॉल होते हैं ये सेल्स। नेक्स्ट, देयर न्यूक्लियाई आर लोकेटेड एट द बेस। इनके जो न्यूक्लियस हैं वो कहाँ पर लोकेटेड होते हैं, बेस पे, सबसे बेस, बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है वो वहाँ पर लोकेटेड होते हैं, आप डायग्राम में भी देख सकते हैं इसे। नेक्स्ट, फ्री सरफेस हैव ए माइक्रोविलाए। जो फ्री सरफेस होती है वो उनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोविलाए लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। ये कहाँ पे फाउंड होते हैं, दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक एज वेल एज इंटेस्टाइन। ये दोनों की लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं। आप नॉर्मली याद रख सकते हैं, स्टमक से याद रख सकते हैं, या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम, दोनों उसी के एग्जाम्पल्स हैं, स्टमक और इंटेस्टाइन। एंड हेल्प्स इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। किस में हेल्प कर रहे हैं, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में ये हेल्प कर रहे हैं। इफ द कॉलमनार और क्यूबॉइडल सेल्स बियर सीलिया। अगर क्या होता है, जो कॉलमनार सेल्स हैं या फिर क्यूबॉइडल सेल्स हैं, उनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, सीलिया या फिर कुछ ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स ऑन देयर फ्री सरफेस, दे आर कॉल्ड सीलिएटेड एपिथीलियम। ऐसे सेल्स को हम क्या बोलते हैं, सीलिएटेड एपिथीलियम। ध्यान रखना है, सीलिएटेड एपिथीलियम हम किस कंडीशन में बोलेंगे, जब उसमें क्या प्रेजेंट होगा, कुछ सीलिया प्रेजेंट होगा। देयर फंक्शन इज टू मूव पार्ट म्यूकस इन स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथीलियम। इनका मेन फंक्शन क्या है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही ये सब्सटेंस या फिर म्यूकस को क्या करेंगे, पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूव करने में हेल्प करते हैं। दे आर मेनली प्रेजेंट इन द इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन्स लाइक ब्रोंक्यूल्स। लंग्स का जब आप स्ट्रक्चर देखते हैं तो आपको ब्रोंक्यूल्स देखने को मिलते हैं। एंड फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब कहाँ पे देखने को मिलता है आपको, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। फेलोपियन ट्यूब में आप क्या देखते हैं कि जो ओवम है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही क्या करता है, मूव करता है, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एपिथीलियम टिश्यूज़ का जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम बचे हुए जो एपिथीलियम टिश्यूज़ के पॉइंट है वो कवर करेंगे।